आहास तो मजा आ जाएगा अनबॉक्सिंग करने में, बहुत सारा माल खरीदा है। तो हेलो गाइस, क्या हो गया? तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? तो गाइस बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं डाला, तो आज डाल ही देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कुछ खरीदा है, और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था होम थिएटर के ऊपर में, इसका ही अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ। एंड अनबॉक्सिंग करते करते भी मैं आपको हर एक डिटेल बताता जाऊँगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो काफ़ी कुछ खरीदा है, तो एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कितना पैसा लगा है भाई, बहुत पैसा लग गया। यहाँ पे टोटल 900 रुपये मुझे लगा है ये सब खरीदने में, और 10 रुपये मुझे नहीं पता क्यों ले लिया, याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब माल मैंने खरीदा है, तो एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और डिटेल मैं आपको बताने भी पला हूँ, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। तो पहले नंबर में है हमारा होम थिएटर किट या 4.1 होम थिएटर बोर्ड एम्पलीफायर, कुछ भी कह लो, ये मुझे 250 रुपये का पड़ा है, और घंटी कंपनी का है। और गैस ये आपको लोकल मार्केट में आराम से मिल जाता है, और इसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम मुझे खोलते ही दिखा, हीट सिंक भाई, हद से ज़्यादा छोटा हीट सिंक दे के रखा है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का हीट सिंक है। आप प्लीज़ ये हीट सिंक मत यूज़ करना, क्योंकि 10 मिनट भी नहीं चलेगा, और अगर इसके ऊपर चला दोगे ना तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल 4 BTS IC लगा हुआ है, और एक IC 16 वाट का होता है, हिसाब कर लो कितना है, 2 IC बेस के लिए और एक IC स्पीकर के लिए, ठीक है ना। तो ये 20 TS IC है, ये 16 वाट का होता है, और काफ़ी गंदा टाइप का हीटिंग करता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ हीट सिंक थोड़ा सा अच्छा लगा लेना, यही मेन बात है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और गाइस इसके बाद मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये सबवूफर है, वूफर भी नहीं बोलूँगा, स्पीकर ही बोलूँगा, क्योंकि गाइस इतना घटिया क्वालिटी का ये स्पीकर है ना, क्या बोलूँ भाई। 180 रुपये का मिला है, 5.5 इंच नहीं नहीं 5.25 इंच का ये वूफर या स्पीकर है। तो ये रेइस कंपनी का है, ये आप लोकल मान के ही चलो, ठीक है ना, ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी का नहीं है, एकदम लोकल में जो मिलता है यही है। तो इसमें काफ़ी कुछ ध्यान देने वाला है, जो कि मैं आपको एक बाई एक बोलने वाला हूँ, तो चलो देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपको रबर सराउंड का मिल रहा है, रबर सराउंड का ही लेना, ठीक है ना, और पेपर कोन का लेना। अगर रबर सराउंड नहीं मिल रहा है मतलब पर पेपर कोन का ही लेना, ठीक है ना, ये दोनों याद रखना। और इसके बाद है भाई मैग्नेट, ये तो भाई सबको पता होगा मैग्नेट कैसा होता है, कितना बड़ा लेना चाहिए मैग्नेट। अगर आप ज़्यादा बड़ा लोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। और गाइस ज़्यादा बड़ा तो आपको मिलेगा भी नहीं, पर ट्राई करना, मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना नहीं मिलता है तो क्या करूँ यार। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, सॉफ्ट स्पाइडर भाई, स्पाइडर जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा जंपिंग उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ हाथ लगा के एक बार देख लेना कि स्पाइडर एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। आप हाथ से ऊपर नीचे करके देखिएगा, इस टाइप का कोई आवाज़ गलती से भी ना हो, अगर हो तो उस सबवूफर को छोड़ देना और कोई सबवूफर लेना, ठीक है ना। और इसके बाद है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रांसफार्मर। तो चलो देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर है गाइस, ये 12012 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, ये फुल कॉपर में है, 230 रुपये का मुझे मिला था। अगर आप एलुमिनियम का खरीदते हैं तो 180 या 200 रुपये का पड़ेगा, पर प्लीज़ एल्युमिनियम का मत खरीदेगा आप, प्लीज़ यहाँ पे फुल कॉपर का यूज़ करना, क्योंकि अच्छा रहता है। और इससे भी आपको एक भारी ट्रांसफार्मर मिलेगा, 400-500 रुपये का आएगा, वही लेना। और इसके बाद है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बोल लो भाई, ब्लूटूथ कार्ड भाई, इतना ज़्यादा वेराइटी का मिल रहा था ना, क्या ही बोलो भाई। ट्राई कर रहा था कुछ इस टाइप का ब्लूटूथ कार्ड का लेने का, पर नहीं मिला, क्या करूँ। और गाइस इसका प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे था, 100, 120, 180 और 250। तो ज़्यादा पैसे इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ब्लूटूथ चिप उतना ज़्यादा बड़ा होगा और क्वालिटी उतना हाई होता जाएगा, ठीक है ना। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 150 का खरीदा है, मोर देन इनफ है, ठीक है ना, अच्छा क्वालिटी का है, और ज़्यादा रेंज मुझे चाहिए भी नहीं। और ये ब्लूटूथ कार्ड काफ़ी कॉमन है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ट्राई करना इस टाइप का लेने का। एक कॉमन चीज़ ये भी कॉमन है यार, ये भाई वायर है, 30 रुपये का मुझे मिला था भाई। यहाँ पे दो टाइप का आता था, ये 5 वायर एक साथ कोई ग्लू टाइप
से जॉइन था और ऐसा अलग अलग भाई अलग अलग और जॉइन में 10 रुपये का डिफरेंस था, ठीक है ना। इसलिए भाई अलग अलग लिया, 30 रुपये में जो आ गया ना वो मुझे लगेगा भी नहीं। और इसके बाद है 220 वोल्ट के लिए वायर या मेन लीड, ठीक है ना। तो ये मुझे 35 रुपये का मिला भाई, इतना ज़्यादा लंबा है। मुझे घर पे आके पता चला कि इतना ज़्यादा लंबा ज़रूरत नहीं था, पर ले लिया, काम चल जाएगा क्या यार, बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इतना लंबा आपको लगेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये 35 रुपये का मिला था, अच्छी क्वालिटी का है, और क्या बोलूँ भाई, यहाँ पे तो और कुछ बोलने को है भी नहीं, तो इतना ही है। और इसके बाद गाइस और एक चीज़ है, और इसके बाद है गाइस स्पीकर ग्रिल, इसमें भी ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, 25 रुपये का मिला, बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, पर और कुछ मिल रहा भी नहीं था तो इसको ही लेना पड़ा। आप यहाँ पे और कुछ कभी यूज़ कर सकते हैं, ट्राई करना DIY स्पीकर ग्रिल लगाने को, वो ज़्यादा अच्छा देखने को लगता है, ठीक है ना। पर अगर नहीं बना ना खरीद लो। तो इसके बाद है गाइस 6 पिन 100K का पोटेंशियल मीटर 10 रुपये का, ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हम यूज़ करने वाले। और इसके बाद है भाई बेस कंट्रोल करने के लिए 3 पिन पोटेंशियल मीटर 7 रुपये का मिला। और इसके बाद है गाइस यहाँ पे 4 पिन AV सॉकेट 15 रुपये का मिला, और 2 पिन का भाई 10 रुपये मांग रहा था, मैं क्यों लूँ भाई, 4 पिन का लूँगा ना। और इसके बाद और कुछ टाइप का सॉकेट है ये मुझे मिला था, तो इसके अंदर लगाने के लिए मैंने इसको ख़रीदा था, तो ये 5 या 7 रुपये का शायद मिल रहा था, इसलिए गाइस मैंने इसको ख़रीदा। ट्राई करना ब्लैक एंड रेड लेने को, क्योंकि आसानी रहता है यार। और इसके बाद है गाइस साइड स्पीकर 10 रुपये का था, नहीं नहीं भाई 10 वाट का था, 50 रुपये एक पीस, ठीक है ना। दो लिया है क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे 2 स्पीकर ही लगाने वाला हूँ, आप यहाँ पे 4 भी लगा सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पे 2 स्पीकर लगाने वाला हूँ, चल जाता है, इससे बेटर क्वालिटी का अगर लगा दोगे तो अच्छा लगेगा सुनने में, पर चला लेता है, ठीक है ना। 50 रुपये में और क्या मिलेगा, सैमकॉन का है, पेपर कौन में है, वरना अगर थोड़ा पैसा लगा सकते हो तो अच्छा माल लेना। और फाइनली कैबिनेट, वाह भाई इतना मेहनत करके ये कैबिनेट बनाया है ना, मार्केट में तो छोड़ दो भाई, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कंप्यूटर में मैंने पूरा रिसर्च किया, ये 16 mm पार्टिकल बोर्ड से बनाए, एक थम्सअप इसके लिए, मतलब तो लाइक कर दो यार। और गाइस ये इतना अच्छा करके मैंने यहाँ पे मेजरिंग किया है ना, और यहाँ पे लीटर हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे परफेक्ट रखा है इस कैबिनेट में, ठीक है ना। देखो कितना मोटा पार्टिकल बोर्ड से बनाया, MDF बोर्ड नहीं मिला, वरना MDF बोर्ड ही यूज़ करता, ठीक है ना। ऐसा मैंने कैबिनेट बनाया, आप यहाँ पे बना सकते हो, खरीद सकते हो, या कारपेंटर को बोल सकते हो थोड़ा बना दो यार। आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि आप कौन सा बोर्ड से बनाना चाहते हो, वरना भाई प्लाईवुड से बना देगा, नहीं भाई आपको यहाँ पे MDF बोर्ड या पार्टिकल बोर्ड से बनाना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही भाई, डिटेल देना था, छोटा वीडियो है, प्लीज़ भाई लाइक कर दो भाई, एक एक वीडियो इसके बाद आते जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि इस काम का ही वीडियो डाल दो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना, बाय बाय।